गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है हमारा ऑक्सिलरीज और वर्ब्स भी। सो आज हमारा 27th लेक्चर है और आज जिन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं कुड एंड माइट। सो ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास आज, एक है कुड और दूसरा है माइट। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो देखिए आप, जो सबसे पहले जो माइट वर्ड यूज़ किया जाता है ये है सो यहाँ पे देखिए आपकी जो कुड और मे है ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। दीज आर यूज्ड एज पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ कैन एंड मे, यानी कि हम इनको कैन और मे के पास्ट इक्विवेलेंट्स की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, यानी हम इनको कैन और मे के साथ किसी पास्ट की चीज़ को हम यहाँ पे डिनोट करने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम कुड और माइट को हम इनके साथ कंबाइन करके किसी पास्ट इक्विवेलेंट चीज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पास्ट इक्विवेलेंट से मतलब ये है कि हम किसी भी पास्ट की चीज़ को, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है उसको हम सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम कैन को हम कुड और मे को हम माइट के फॉर्म में यूज़ हम करते हैं। तो यानी ये इनके पास्ट के फॉर्म हैं बेसिकली। सो हम इनको यूज़ कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एग्जांपल है ये है आई कुड राइड अ हॉर्स व्हेन आई वॉज यंग, यानी कि मैं एक घोड़ा चला सकता था, यानी घोड़े की सवारी कर सकता था जब मैं यंग था, यानी कि जब मैं जवान था। तो यहाँ पे आप देखिए कि आई कुड, यानी कि यहाँ पे वो चीज़ बताई जा रही है कि जो चीज़ बीत चुकी है, यानी कि ये चीज़ पास्ट की है, ये चीज़ प्रेजेंट की नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति बोल रहा है कि वो ऐसा कर सकता था, यानी कि ये चीज़ जो है ये पास्ट की है। सो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी एक एबिलिटी बता रहा है कि ऐसा हो सकता था। सो हमने कैन का जो हमने पास्ट इक्विवेलेंट यूज़ किया उसको हमने यूज़ किया है कुड के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे जो कैन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे हो जाएगा कुड। सबसे पहले तो हमारा एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे ये है ही सैड आई माइट ऑब्लिक कुड गो, यानी कि आप इसमें यहाँ पे माइट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ही सैड आई माइट गो, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ही सैड आई कुड गो, यानी कि या तो तुम, मतलब दोनों ही मीनिंग सेम ही है यहाँ पे। आप मतलब कि उसने कहा कि तुम जा सकते हो, यानी कि तुम जा सकते हो, तो ऐसा उसने कहा था। सो ये चीज़ हो गई पास्ट के लिए। सो यहाँ पे हमने मे और माइट, तो देखिए माइट का जो फॉर्म, माइट जो है वो मे का फॉर्म है, तो हम यहाँ पे मे को भी यूज़ कर सकते हैं माइट के फॉर्म में यहाँ पे सेंटेंस में, और उस तरीके से हम कैन को कुड के फॉर्म में भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं जो हमने कुड और माइट को हम यूज़ करेंगे कैन और मे की जगह पे। सो इन दो एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए।
जो अब हमारे जो नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है हमारा इसमें, सो जो देखिए थर्ड एग्जाम्पल है ये है, शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू, कि शी वंडर्ड यानी कि उसने सोचा कि काश ये सच होता। सो इट कुड बी, सो कुड यानी कि पास्ट टेंस फिर से यहाँ पर हमने यूज़ किया है। सो ये एक थर्ड एग्जाम्पल है, ये आपको बताने के लिए है कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो है ये एक सेंटेंस इस तरीके से कि हम इसको कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यानी कि ऐसी चीज़ जो कि हो सकती थी, यानी कि शी वंडर्ड वेदर दिस वॉज इट कुड बी ट्रू, यानी कि उसने सोचा कि काश ये सच होता, तो ये सोच रही कि काश ऐसा हो जाता। सो ये हो गया एक फॉर्म जहाँ पे हम कुड को फिर से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कुड को इस्तेमाल हम वहाँ पर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये है, नेक्स्ट सेंटेंस है ये है, आई थॉट ही माइट बी एट होम, यानी कि मैंने सोचा कि वह अपने घर पे होगा। सो यहाँ पे आप देखिए कि ही माइट बी, तो यहाँ पे फिर से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने घर पे हो सकता है, तो यहाँ पे किसी चीज़ के होने की उम्मीद है। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके ऊपर वाले सेंटेंस में यूज़ किया था कुड, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है माइट। सो दोनों वर्ड्स को हम पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये अगेन आपका सेंटेंस हो जाएगा जहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे शो करने के लिए हम माइट को या कुड को हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये दो और एग्जांपल है जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, एक जगह हमने कुड यूज़ किया, एक जगह माइट यूज़ किया है। सो इनको भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम इसको यूज़ करते हैं ये है, दीज आर यूज एज लेस पॉजिटिव वर्जन्स ऑफ कैन एंड मे, यानी यहाँ पे कि ऐसी जगह पे भी हम इनको यूज़ करते हैं जहाँ पे इनके किसी चीज़ के होने की संभावनाएं बहुत कम है, यानी कि लेस पॉजिटिव वर्जन्स, यानी कि जहाँ पे चीज़ें होना बहुत ही कम है। सो अब देखिए यहाँ पे जो हम इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये है, I could attend the party, यानी कि मैं
आई कुड अटेंड द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ के होने की संभावना है लेकिन कम है। यानी हम एक क्या तो हो कि हम पूरे तरीके से ही अटेंड, यानी कि हम कहेंगे कि आई विल अटेंड द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी अटेंड करूँगा। सो वो होता है कि यहाँ पे ये चीज़ होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पे ये है कि मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, तो यानी यहाँ पे उस चीज़ के होने की, पूरा होने की संभावना जो है वो कम है। सो यहाँ पे हो जाएगा आई कुड अटेंड। सो ये कैन का जो फॉर्म है कुड हमने फिर से यहाँ पे यूज़ किया, जहाँ पे हम किसी चीज़ के लेस पॉजिटिव होने को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल हो जाएगा जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए कि कुड आई बोरो योर बाइसाइकिल, क्या मैं तुम्हारी साइकिल बोरो कर सकता हूँ। सो ये हमने यहाँ पे इसको एक परमिशन की तरह भी यूज़ किया है कि कुड आई बोरो योर बाइसाइकिल, यानी कि क्या मैं तुम्हारी साइकिल बोरो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कन्फर्मिटी नहीं है कि साइकिल बोरो हो पाएगी या नहीं, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ द बाइसाइकिल, यानी कि हम यहाँ पे किसी से पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे हम जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिसमें पॉसिबिलिटी है कि हमको मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है। यहाँ भी यानी कि सेंटेंस लेस पॉजिटिव भी है, और दूसरी बात ये यहाँ पे हम यहाँ पे एक परमिशन सीक करने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। सो ये दो एग्जांपल हैं जिसमें हम किसी भी लेस पॉजिटिव चीज़ के होने को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कुड और माइट से। तो इनको आप नोट कर लीजिए। जो हमारा अब नेक्स्ट सेंटेंस है ये है इट माइट रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश हो सकती है। सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे फिर भी एक हम एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हो सकती है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव हमको दिखाना, अगर हम नेगेटिव दिखाते तो ये हो जाता कि इट माइट नॉट रेन टुमारो, कि कल बारिश ना गिरे, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। सो इट माइट रेन टुमारो, सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल टू शो समथिंग पॉजिटिव हियर। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा कुड यू पास मी द सॉल्ट। सो यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली कि क्या तुम मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो, सॉल्ट पास करना यानी नमक दे सकते हो क्या। सो सॉल्ट मीन्स होता है नमक। सो यहाँ पे हम फिर किसी से कुछ पूछ रहे हैं, हम फिर से किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि हम वो हमको ऐसा काम करके दे सकता है क्या। सो वी आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग फॉर अस हियर। सो यहाँ पे हम फिर से किसी से एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं, दिस इज़ एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, हम परमिशन भी मांग रहे हैं, वी आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग, और यहाँ पे हम किसी चीज़ के पॉजिटिव होने को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे कुड यूज़ किया है, इसके पहले में हमने माइट यूज़ किया है। सो फिर ये दो और एग्जांपल हैं जहाँ पे हम कुड और माइट का इस्तेमाल हम करते हैं। सो इन दो सेंटेंसेस को भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से कुड और माइट को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम यहाँ पे जो है फॉर्म कर सकते हैं इन ऑक्सिलरीज एंड मोडल्स। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।